मेहनत मशक्कत करके हमने एम्बुलेंस खरीद ली, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। उसके इंटीरियर्स करने हैं ताकि वो एनिमल फ्रेंडली बनाए जाएं। उसके लिए ड्राइवर, डॉक्टर, हेल्पर, मेडिसिन, इंजेक्शन, ऑक्सीजन, ये सारी सुविधाएं भी अभी लगानी है उसमें। ज्यादातर एनिमल लवर्स जो होते हैं वो अपने ही कमाई से पैसे निकाल कर इन जानवरों की मदद करते हैं। हमने ना तो गवर्नमेंट से कभी कुछ मांगा है और ना ही हमें मिलता है, और यही सत्य है। ये वो पैसा है जो हमने अपनी मेहनत से कमाया है, इस पे हम टैक्स भरते हैं। सुलभ शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए भी पैसे लगते हैं भाई। मतलब ये कि इस दुनिया में ना कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता है। तो एम्बुलेंस के स्टाफ के पगार भी तो होंगे, उनको पैसे देने पड़ेंगे ताकि वो अपना पेट पाल सके, अपने परिवार को चला सके। साथ ही साथ एम्बुलेंस का जो पेट्रोल वगैरह लगेगा, दवाइयाँ लगेंगी, इन सब के तो पैसे इंतजाम करने पड़ेंगे। वो सब हम लोग खुद ही करते हैं ज्यादातर। हाँ, कभी कभी किल्लत हो जाती है तो लोग फेसबुक वगैरह पे पोस्ट डालते हैं कि भाई कोई डोनेशन दे दो, कोई कंट्रीब्यूशन दे दो, ताकि जो जरूरतमंद जानवर है उसकी मदद हो सके। जब भी आप एनिमल हेल्पलाइन या आप एम्बुलेंस को कॉल करते हो जानवर की मदद के लिए, जो जोर करे थोड़ा सा उधर रुके, थोड़ा सा पेशेंस रखे, ताकि एम्बुलेंस जो है वहां आप तक पहुंच सके। आपको पता ही ऑलरेडी मुंबई की ट्रैफिक कैसी होती है। प्लीज देखे कि जानवर जख्मी होता है, ठीक है, उसको मदद की जरूरत होती है, वो ऑलरेडी पैनिक अटैक होता है उसे, तो जानवर एक जगह रुकने वाला नहीं। आप सोचोगे कि आप स्पॉट बता दोगे, लोकेशन बता दोगे और सोचोगे कि एम्बुलेंस वहां पर आके ट्रीट कर देगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपका होना या किसी आदमी का होना वहां पर जरूरी है, जिससे हम कोऑर्डिनेशन कर सकते। अगर आप खुद घायल जानवर के पास नहीं रुक सकते हैं तो कोई और कर दीजिए, अपने किसी दोस्त से कहिए रुक जाने के, या फिर आसपास जो लोग रहते हैं या दुकान वाले जो हैं उनसे जरा बात कीजिए, जरा उनको बताइए कि देखो ये जानवर को जरूरत है, थोड़ा जख्मी है, आप उनका नंबर लेके आप एनिमल हेल्पलाइन पे, ठीक है, ताकि वो उनसे कोऑर्डिनेट करके वो जानवरों की मदद कर सकते। आपके बुलाने पर जब एम्बुलेंस स्पॉट पे पहुंचेगी और अगर वहां कोई नहीं होगा उस जानवर को दिखाने के लिए, तो देखिए सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, पेट्रोल वेस्ट हो जाएगा, मैन पावर वेस्ट हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात तो जानवरों को हेल्प नहीं मिल पाएगी। ये एक वॉलंटरी सुविधा है, इसीलिए जब आप हमें फोन करें और अगर हमें आप तक पहुंचने में थोड़ा विलंब हो तो हमें गाली मत दें प्लीज। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप तक पहुंचें, लेकिन हो सकता है हम ट्रैफिक में फंसे हों या किसी और अपने जानवर दोस्त की मदद कर रहे हों, इसीलिए थोड़ा धीरज रखिए। कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशन में हम आप तुरंत नहीं पहुंच पाएंगे। अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो उसे ठीक करने में तो आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। जब आप हमें फोन करें तो बताएं क्या हुआ है, ताकि हमारे डॉक्टर आपको सही दवाइयां और सही फर्स्ट एड बता पाए। अगर ऐसा कुछ हो कि जिसमें आप उस जानवर की मदद कर सकते हैं तो प्लीज जरूर करिए। अपने जानवर दोस्तों से भाईचारा बढ़ाइए, उनसे दोस्ती कीजिए, उन्हें खाना दीजिए, तो कभी दवाई देने की ज़रूरत हो तो खाने में मिला के आप आराम से दे सकेंगे। अगर वो आपको छूने देते हैं तो जब उन्हें कोई स्किन की प्रॉब्लम हो या कोई घाव हो तो उस पर दवाई लगानी हो तो वो बड़ी आसानी से आप खुद भी लगा सकेंगे। फिर हमें आप तक आने की ज़रूरत ही नहीं, आप भी हमारे ही सिपाही बन जाएंगे, है ना। एक से भले दो, दो से भले तीन, इस तरह से आप हमारी भी सहायता करोगे और उस जानवर की भी, कहीं ना कहीं आप भी सीधे जानवर को ही मदद कर रहे हो। मेरे अनुमान में 100 में से सिर्फ 2 लोग ऐसे होते होंगे जो जानवर के प्रति सद्भावना रखते होंगे। ज्यादातर लोग तो ऐसे देखते भी नहीं होंगे या देख के करके निकल जाते होंगे, है ना, ये तो आप भी जानते हैं। तो हमें जरूरत है ऐसे लोगों की जो सद्भावना रखते हैं, और जरूरत है जागरूकता की जो कि आजकल हो रही है, और जरूरत है जानकारी की जो हम आपको दे सकते हैं। तो आइए मिल जाइए हमारे साथ, एक दूसरे की कन्नी काटने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे का हाथ थामकर और ताकतवर बनने के लिए और अच्छा काम करने के लिए। हम आप मिलकर ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, जुड़िए तो सही।